राम राम बेचारे भाई। तो भाई कैसे आप सब भाई हो? ठीक ही होंगे भाई। भाई मैं कुछ दिन पहले खरगोश लेके आया था, आपको तो बताना भूल गया। आज बता रहा हूँ भाई। और भाई आज उसके बच्चे हो गए, तो ये दिखाता तो हूँ आपको। एक तो भाई ये रहा, एक ये रहा, ये रे भाई 6 बच्चे हुए हैं खरगोश के। कितने प्यारे लग रहे भाई बच्चे भी। कितने प्यारे दिख रहे भाई खरगोश। तो भाई पत्ते वगैरह खाते ज़्यादातर, इसलिए भाई मैंने पत्ते वगैरह ही रख दिए थे यहाँ पे। अगर भाई आप भी कभी खरगोश लेकर अपने घर में, अगर भाई वो उस टाइम पे प्रेगनेंसी में है और बच्चे होने वाले हैं, तो भाई आप भी ऐसा करें कि बच्चों को एक थोड़े से डब्बे से में अपना कॉटन वगैरह के ऊपर रख दें और खरगोश यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि बच्चों के साथ माँ का रहना तो बहुत ज़रूरी है। भाई माँ को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म प्लेस पर रखें इनको, पंखा वगैरह ना चलाएं भाई। और वहाँ की और भाई वहाँ की सफाई बहुत ज़रूरी है, सफाई नहीं होगी तो भाई फिर भाई जो फीमेल है, फीमेल खरगोश है भाई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना दो, तभी भाई वो दूध पिला पाएंगे। उनको भाई घास फूस ज़्यादा दो उस टाइम पे। देख कितने कितने क्यूट से दिख रहे हैं भाई बच्चे। अभी भाई इनको यहीं पे अकेला छोड़ के जाते हैं, बस थोड़ी देर में आगे देखते भाई क्या चल रहा क्या नहीं। अभी थोड़ा बहुत भाई और खाने का लेने चलते हैं इनका। भाई आज अपने लेंटर की तैयारी चल रही है, आपको दिखा दे लेंटर। मौसम भाई बिल्कुल प्यारा हो रहा है। भाई थोड़ा सा मोर लगेगा कंप्लीट होने वाला अपना, थोड़ा ज्यादा लेंटर थोड़ी सी देर में और कार्रवाई चल रही है। बढ़िया तरिया खेच कर ले दो मीटर ने।
तो भाई लेंटर डलने के बाद भाई वहाँ के थे घर पर। घर पर आने के बाद भाई थोड़े बहुत नहाए धोए नहा धो का अपना फिर भाई ऊपर चले गए थे। ऊपर खरगोश से खवाया पाया उनके बच्चा, तो भाई दूध वगैरह पिलाया। फिर भाई नीचे आकर अपना रोटी रोटी खा ली थी। भाई एक चीज़ मैंने आपका कम्युनिटी में पूछी थी भाई, गाड़ी की मोडिफिकेशन कराएं या ना कराएं। अभी तक भाई आपका कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया भाई। तो भाई जाकर कमेंट करो करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए भाई। अगर करानी चाहिए तो भाई फुल वीडियो गाड़ी के ऊपर आएगी, इसी शनिवार को आ जाएगी। ठीक है भाई, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई। जय श्री राम।